कॉन्फ्रेंस देखी दिल्ली पुलिस की, कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है, उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है, तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का, लगभग 20 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमारी नज़र में ये आदमी था, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कि ये जो केस हुआ है ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, ये सेंट्रल एजेंसी की इन्फॉर्मेशन थी जो दिल्ली पुलिस को दी गई। और इस आदमी के बारे में बता सकता हूँ कि 9 तारीख को इसने जाने का प्रोग्राम बनाया दिल्ली, और फिर ये इसने 10 तारीख को पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन इसका कंफर्म नहीं हो पा रहा था टिकट, तो 13 तारीख को इसने वेटिंग लिस्ट 6 में टिकट लिया गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस ट्रेन में, और शाम तक इसका टिकट कंफर्म हो गया और ये अकेला निज़ामुद्दीन के लिए रवाना हो गया मुंबई सेंट्रल से। इसको रास्ते में जब ट्रेन कोटा पहुंची तो इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं मिले, इसके पास कोई वेपन नहीं मिला, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दिल्ली पुलिस के पास है। हमारी एक टीम आज शाम को दिल्ली जा रही है, इसको जान मोहम्मद को इंट्रोगेट करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के पास है वो हम लेकर आएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे और देखते हैं फिर ये केस आगे कैसे बढ़ता है। थैंक यू सर। आपल्याला माहिती असेल कालची प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिल्ली पोलिसने असं सांगितलेलं आहे की त्याने 6 आरोपीला अटक केलेला आहे आणि त्या 6 पैकी एक माणूस जान मोहम्मद हे धारावीच राहणारा इसम असून त्याबद्दल ATSची त्याच्यावर बारकाईची नजर होती आणि आतासुद्धा आहे। आणि हा माणूस त्याचे जुने कॉन्टॅक्ट होते डी कंपनीशी, ते फार जुने होते, जवळजवळ 20 वर्ष आधीचे संबंध होते। सध्या त्याची काय परिस्थिती बरोबर नव्हती, आर्थिक परिस्थिती, आणि तो धारावीमध्ये राहायचे झोपडपट्टीमध्ये। 9 तारखेला त्यांनी असा 13 तारखेला जायचे आहे असा प्रोग्राम त्याने एक ट्रॅव्हल एजंटला विनंती केली की मला 13 तारीखचं तिकीट द्या, तर तिकीट उपलब्ध नसून त्याने तात्काळमध्ये तिकीट घेतला, तात्काळमध्ये सुद्धा त्यांची वेटिंगमध्ये मिळाला, परंतु 13 तारखेला संध्याकाळीपर्यंत त्याचं तिकीट कन्फर्म झाला आणि ते स्लीपर क्लासमध्ये आता S6 बोगीमध्ये होता, बर्थ नंबर 2 त्याचे होता। आणि तिथे ज्यावेळी ट्रेन कोटा पोहोचली राजस्थानमध्ये तिथं त्याने दिल्ली पोलिसने अटक केला आणि त्याने का अटक केला, त्याच्या हातात त्याच्याजवळ काय हत्यार वगैरे मिळाले नाही, परंतु नेमकी काय इन्फॉर्मेशन होती आणि काय हे कट आहे, काय षडयंत्र आहे, ते सगळं तपासचा भाग आहे, तपास चालू आहे आणि आपली ATSची एक टीम आता संध्याकाळी दिल्लीकडे रवाना होत आहे। So as you are aware, on yesterday Delhi police had a press conference in which they explained that 6 accused have been arrested in a terrorist case. One of the accused is from Maharashtra. He is a resident of Dharavi, Mumbai. He boarded the train on 13th. He was apprehended by Delhi police when the train reached Kota. Now this fellow has got some old connections with the D company, that is about 20 years back, and he was on our radar like so many other people.
I don't want to give the details. He decided to go to Delhi on 9th. He was trying to get reservation. He did not get reservation. He booked a ticket in Tatkal. He got a waiting list number, but it was confirmed by the evening, and he boarded the train. When he boarded this Golden Express train, he was alone. He had some luggage, but there was no weapon. There were no explosives. And when the train reached Kota, he was apprehended by Delhi police. At the time of his arrest, there were no weapons or there were no explosives. What exactly the information is with them, what is the case, what is the conspiracy, that is with the Delhi police to tell us. We are in touch with the senior officers of Delhi police. Our team is going this evening and we will go and interrogate Jaan Mohammed and try to find out. क्या आज की तारीख में कितना होल्ड है, हम सबको पता है, लगभग शून्य के बराबर है. ATS इज फुली इन कंट्रोल एंड वी हैव गॉट फ्री हैंड फ्रॉम होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट. सो देर इज एब्सोल्युटली नथिंग टू से दैट कि अंडरवर्ल्ड का कोई कंट्रोल है. इट इज जस्ट दैट कि दिस केस स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली और दिल्ली से अभी इसको मुंबई तक आता डेवलप होता उससे पहले ही हैज बीन अरेस्टेड. सो वी हैव नथिंग टू से एट द मोमेंट एक्सेप्ट दैट वट एवर दिल्ली पुलिस हैज टोल्ड अस. सर ये आईए का पहला सवाल था, इस तरह का दिल्ली पुलिस का कहना है, क्या कह रहे हैं डी कंपनी, अमेरिका डी कंपनी के साथ पहले दो था. मैं जानना चाह रहा हूं कि रूस का रोल क्या था, उसका क्या किरदार था. नहीं, आई कैन नॉट गिव यू ऑल द डिटेल्स. वो जो केस था वो केस 20 साल पुराना केस है, मुंबई पुलिस का केस है और वो केस पायधनी का है, पायधनी पुलिस स्टेशन का केस है. इसमें यही था कि जो ही वॉज वर्किंग एज ए हैंचमैन, जो डायरेक्शंस थे वो अक्रॉस द बॉर्डर आते थे 20 साल पहले और तब इसने एक जगह एक फायरिंग का केस था, एक तोड़फोड़ का केस था इसके ऊपर. और जो बाकी चीजें हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, दैट इज विद अस. सर इस केस में जान मोहन जो होंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे या अदर कोई होंगे, ATS ने किसकी इंक्वायरी की, किसको हिरासत में लिया, किसको अरेस्ट किया, कुछ जानकारी? नहीं, हमारे पास केस नहीं है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है. केंद्रीय एजेंसी ने मुंबई पुलिस को अलर्ट किया था या सिर्फ दिल्ली को अलर्ट किया? केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया, मुंबई पुलिस को अलर्ट नहीं किया. ATS मुंबई को भी अलर्ट नहीं किया बिकॉज ये केस जो ओरिजिनेट हो रहा था ये दिल्ली से हो रहा था, तो सारा काम दिल्ली पुलिस का था. सर जिसका आरोप लगाया जा रहा है कि पता नहीं चल पाया मुंबई पुलिस को कि वो लेके चले गए जान मोहम्मद को और मुंबई को कुछ पता नहीं चल रहा है मुंबई पुलिस को, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? इस पे राजनीतिक आरोप भी लगे, ये ATS का फेलियर है ऐसा बोला जा रहा है. और ATS से पहले गृह मंत्री ने बीसी किया बोलो. एक देयर इज अ सिटीजन, एक सिटीजन है, एक आदमी है जो आरोपी है, जो धारावी का रहने वाला है, वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए टिकट बुक करता है. ही हैज अ टिकट फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल टू निजामुद्दीन. जब वो ट्रेन कोटा पहुंचती है उसको अरेस्ट कर लेते हैं. हाउ इज इट अ फेलियर ऑफ ATS, आई डोंट अंडरस्टैंड. सर एज यू सेड, एक मिनट, सर एज यू सेड, एक मिनट, मुझे पूछिए. सर एज यू सेड ही वाज ऑन आवर रडार, हाउ डिड यू मिस आउट ऑन दिस इंफॉर्मेशन? देयर आर 1000 पीपल ऑन आवर रडार. सर यू हैव नो क्लू अबाउट दिस गाय. इसने कुछ अभी क्या हुआ क्या है, कुछ बरामदगी नहीं हुई. जिसका भी पुराना रिकॉर्ड होता है वो हमारे रडार पर रहते हैं. लेकिन सर कुछ तो सर 20 साल पहले का आप बता रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ उसका क्राइम का बैकग्राउंड है? 20 साल में नहीं आया जो पायधनी का केस बता रहे हैं, बीते 20 साल में उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लीन रहा ऐसा आप कहना? ऐसा नहीं है, लेकिन एज फार एज लीगल केस इज कंसर्न देर इज नो लीगल केस एक्सेप्ट वन केस जो शायद 2010 में उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की चोरी का हुआ था. एक दो NC के केसेस हैं, उनका संबंध इससे नहीं है. इलेक्ट्रिसिटी का एक दूसरा केस है, NC का दूसरा केस है. ही वॉज ऑन आर रेडार मीन्स देर आर सो मेनी पीपल ऑन आर रेडार. सर ये फायरिंग का केस कब का है और कब इस पर फायरिंग? वी विल गिव यू द डिटेल्स ऑफ दैट. सर PSI का लिंक है इसमें, अभी तक आपको जानकारी नहीं है. जो भी लिंक होगा वो दिल्ली पुलिस बता पाएगी आपको. सर ये जो चीज आप कह रहे हैं कि डी गैंग से इसके लिंक रहे हैं, लेकिन आपने बताया इलेक्ट्रिसिटी चोरी या इस तरह उसके मामले रहे,
तो डी गैंग से उसका कनेक्शन कैसे जोड़ा आपने और कैसे पता चला डी गैंग से लिंक है? नहीं, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमेशा गुनाह के तौर पे हम लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, कि हमेशा गुनाह बनता भी नहीं है। इन्फॉर्मेशन रहती है, इंटेलिजेंस रहता है, उस इंटेलिजेंस में जितने भी लोग रहते हैं उन पे इंटरसेप्शन भी होता है, उन पे वॉच भी रखी जाती है, उनके 50 हमारे पास टूल्स हैं, मेथड्स हैं, सिस्टम है। आई कैन डिस्क्लोज एवरीथिंग टू यू। मेरी 2 दिन से दिल्ली पुलिस से बात हो रही है, श्री नीरज ठाकुर स्पेशल CP हैं, उनसे मेरी बात आज भी 3-4 बार हो चुकी है, कल भी 3-4 बार हुई, और उनके कोऑर्डिनेशन के बाद ही हमारी टीम आज जाएगी। मुंबई में रेकी नहीं की गई, मुंबई में रेकी की जाएगी, ऐसा एक बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है। ऐसा नहीं था कि कोई पाकिस्तान से या कोई पाकिस्तान ट्रेंड आदमी आया उसने मुंबई में रेकी करी, ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक आदमी जा रहा था जिसको रास्ते में ही पकड़ लिया गया। मेरी बात हुई है, मैंने अभी बताया ना, मेरी तो कल भी बात हुई, आज भी बात हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई वो हम करेंगे, हम जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। सर, सर दिल्ली कमिश्नर राकेश अस्थाना मुंबई में है, उनसे क्या ATS चीफ यानी आपकी मुलाकात हुई है क्या इस पूरे मामले में? वो मुंबई में थे लेकिन वो किसी दूसरे सिलसिले में मुंबई में थे, उनका इस उनकी विजिट का इस केस से कुछ भी संबंध नहीं। सर, सर ये जॉन मोहम्मद जो है, जॉन मोहम्मद यहाँ डोंगरी में क्या दाऊद इब्राहिम कास्कर के किसी रिश्तेदारों से मिला, इसकी कोई जानकारी? क्या दाऊद के किसी और लिंक से वो कनेक्टेड था, इसकी कोई जानकारी पिछले कुछ सालों में हमारे ATS को या क्राइम ब्रांच को या किसी एजेंसी को मिली जिसकी जानकारी आपके पास है? हमारे पास इस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हम दिल्ली पुलिस को देंगे, और दिल्ली पुलिस के पास जो भी जानकारी है वो हम लेंगे उनसे और मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट क्या जानकारी है, क्या हमारे पास है, ये मैं आपको बता नहीं सकता। सर, अनीस इब्राहिम के अब आपने जो जान मोहम्मद उसके टच में था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू भी था, अब यहाँ से आप लोग उन तमाम लोगों को लोकेट करना शुरू कर दिए हैं या करेंगे जो उसके संपर्क में थे जान मोहम्मद? हम जो भी करेंगे वो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर करेंगे। अभी वी हैव नॉट इवन गॉट अ कॉपी ऑफ FIR। जब कॉपी ऑफ FIR आएगी हम उसको देखेंगे, और उसमें जो भी पार्ट इन्वेस्टिगेशन अगर दिल्ली पुलिस कहेगी हम कर रहे हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन वी शुड गेट अ कॉपी ऑफ FIR फर्स्ट। नहीं, जान की फैमिली से हमने एक नॉर्मल बात करी उसके बारे में कि वो कहाँ जाता था, क्या कर रहा था, इट हैज नथिंग टू डू विद इन्वेस्टिगेशन। नहीं, टेरर अलर्ट्स आते रहते हैं, बट एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज कंसर्न, लेट मी टेल यू द सिटी इज सेफ, इवन द स्टेट इज सेफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट ट्राई टू से कि कुछ होने वाला है या होने वाला था, हमको नहीं पता क्या था, कोई भी एक्सप्लोजिव कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आए, कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया, इट वॉज ऑल एट दिल्ली। दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से दीज पीपल वर सपोज टू गो देयर एंड गेट थिंग्स, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। गणेश उत्सव में कुछ ऐसा करने की कोशिश थी क्या, क्योंकि त्योहारों को जो है निशाना बना के प्लानिंग थी इस तरह की बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, ये बात तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी ना, लेकिन आप लोग ने अभी तक जो किया उसमें सर, आप दिल्ली पुलिस के संपर्क में थे, आपने बातचीत की है 2-3 बार, आपने जैसा कि कहा, तो बातचीत में क्या कुछ उन्होंने बताया हुआ है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो आपसे फोन पे बात थी? मेरे से उनसे फोन से यही बात हुई है कि ये इन्फॉर्मेशन उनके पास सेंट्रल एजेंसी से मिली थी, और उसके बाद उन्होंने इसको वर्कआउट किया, और जो भी लोग थे उनके साथ इन्होंने एक टीम लगाई और एक साथ सब लोगों को अलग अलग जगह से पकड़ा, किसी को नोएडा से पकड़ा, किसी को UP से पकड़ा, किसी को कोटा से पकड़ा, उसमें से एक महाराष्ट्र से था, बाकी लोग दूसरे प्रदेश से थे। जानकारी फिलहाल में इस तरह के मॉड्यूल जो है या स्लीपर से काम कर रहे हो सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? जो भी जानकारी है हमारे पास है, बट वी कैनॉट शेयर इट इन मीडिया। सर, इसमें दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस 6 लोगों का, दिल्ली पुलिस हैज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, एक तो वो जो ट्रेन है, एक तो वो जो है अनट्रेन है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये आने वाले थे, यहाँ से सामान लेके जाने वाले थे, उसमें महाराष्ट्र का एक आदमी,
they said they were planning terror activities in Rajasthan, Delhi, Maharashtra. मुंबई ठीक है महाराष्ट्र सर एक आदमी मुंबई का कोटा पकड़ा जाता है आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी उधर से मिली यू हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग ही वाज ऑन योर रडार वेदर दिस गाय हैड एनी अदर मेंटर एनी प्रोटेज इन मुंबई और इन महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल इफ ही ब्रॉट समथिंग हियर महाराष्ट्र ATS ची पत्रकार परिषद सध्या सुरू आहे आणि सर्व माहिती ही पोलिसांना दिली गेलेली आहे जी कारवाई केली जाईल ती दिल्ली आणि मुंबईचे पोलीस मिळून करणार आहेत मुंबईला कुठलाही धोका नव्हता आणि यापुढेही नाही अशी माहिती या पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेली आहे सर्व माहिती दिल्ली पोलिसांना आम्ही देतोय जी कारवाई होईल ती संयुक्तरित्या केली जाईल असंही ATS प्रमुखांनी सांगितलं आहे